तो लास्ट हमने क्या कर लिया था, हेलो वर्ल्ड कर लिया था रिएक्ट नेटिव का। और मैंने हेलो वर्ल्ड करने के लिए एक फोल्डर बना लिया था 6 रिएक्ट नेटिव, और उसमें एक ऑसम प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर हमने तैयार किया था। अच्छा, तो मैं इस ऑसम प्रोजेक्ट को ना ज़रा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 1.hello world। सही है, क्योंकि ये काइंड ऑफ हमारा हेलो वर्ल्ड है। अच्छा, और इसी की एक मैं कॉपी बना लेता हूँ, इस 1 की, जो कि मेरा प्योर बॉयलर प्लेट है। इसके अंदर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की थी, ये एज इट इज़ ही था। तो इसकी अब एक कॉपी बना लेते हैं, जिसमें आज थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे हम। कोशिश हमारी ये होगी कि आज हमें क्या कर लें, लॉगिन का पेज बना लें एटलीस्ट, और उसके क्लिक श्लिक पे जो भी काम होता था हमारा लॉगिन वाला, वो काम करवा लें। साइनअप का पेज बना के, सर्वर तो खड़ा हुआ है हमारा, ऑलरेडी तैयार है सर्वर जो चैट एप्लीकेशन वाला है, तो उस सर्वर से इसको ज़रा कम्युनिकेट करवा दें और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, तो मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। सही है जी, तो ये हेलो वर्ल्ड की कॉपी बनती जा रही है। और जो मेरा लास्ट जो चैट ऐप था, ये थी वो चैट ऐप ना, जिसमें मैंने सर्वर वगैरह फ्रंट एंड सब कुछ तैयार कर लिया था, सब कुछ ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया था। तो इस चैट ऐप में से ये जो सर्वर का जो कोड है, अच्छा इसमें सर्वर सिंगल फाइल में नहीं है ऑब्वियसली, सर्वर की एक फ़ाइल ये है, उसके अलावा DB रेपो करके है, फिर कुछ कोड हमारा APIs करके फोल्डर है उसके अंदर है, ठीक है। तो ये सिंगल फोल्डर नहीं है, तो असल में होगा क्या कि ये वेब का जो फोल्डर है ना, इसके पड़ोस में क्या आ जाएगा, एक अदद मोबाइल ऐप आ जाएगा, या रिएक्ट नेटिव आप कह लो उसको, या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, तो इसके पड़ोस में एक फोल्डर आ जाएगा एक्चुअली, जिसका नाम रिएक्ट नेटिव या वेब होगा, और उसमें वो सारा का सारा कोड मैं रखूँगा, वेब अपनी जगह पर रहेगा। तो इसको जो मैंने अभी कॉपी बनाई है, ये कॉपी हो चुका है पूरी तरह से, तो इस कॉपी को मैं नाम दे देता हूँ के 2.chat app। सही है, यानी रिएक्ट नेटिव की ये चैट ऐप बन रही है अब। लेकिन ये जो रूट होगा ना, मेरी ऐप का जो रूट होगा, वो अभी राइट नाउ वो क्या है, वो डायरेक्ट मोबाइल ऐप का जो कोड है, डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव का कोड है, ठीक है। लेकिन मैं असल में क्या करूँगा, मैं असल में ये करूँगा कि जो रूट होगा ना मेरा, वो सर्वर वो जो होगा वो मेरा रूट होगा, जो मेरा एक एक्चुअल प्रोजेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे कभी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें वेब एप्लीकेशन भी और रिएक्ट नेटिव भी है, और दोनों एक ही सर्वर से बात करते हैं, ठीक है, तो एक ही रिपोजिटरी बनाएंगे ऑब्वियसली। आप अलग अलग रिपोजिटरी भी बना सकते हैं जस्ट इन केस, लेकिन आप एक ही रिपोजिटरी बनाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और उस रिपोजिटरी में क्या होगा, जो पूरा सर्वर होगा प्रॉपर। तो मैं असल में क्या करूँगा, इसको अभी कैसे इसकी सेटिंग करें, ज़बरदस्त हो जाए ताकि ये 14 चैट ऐप जो है ना, पूरा ला के मैं इधर पेस्ट करता हूँ रिएक्ट नेटिव वाले में। सही है, ये जो चैट ऐप है ना मेरी, इसको पूरा मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो मेरा फोल्डर है, इसको मैं नाम दूंगा मिसाल के तौर पे मोबाइल। सही है, जस्ट मोबाइल। और इसको मैं कहाँ मूव करूँगा, इसको मैं इस वेब के पड़ोस में ला के खड़ा करूँगा, इस मोबाइल के फोल्डर को। सही है, तो मैंने ला के इसके अंदर रख दिया उसको, ठीक है। तो ये वो हेलो वर्ल्ड का फोल्डर है जो कल बनाया था हमने। अब हमारे पास सेकंड ये वाला है चैट ऐप। अच्छा, चैट ऐप का ज़रा नाम रीनेम कर देते हैं, मैं कहता हूँ 2 रियल टाइम चैट ऐप। क्या हुआ ये, वो पूरी तरह शायद कॉपी नहीं हुआ था। सही है, तो मैंने कहा कि भाई 2.realtime chat app, और साथ में मैंने डैश लगा के लॉगिन साइन अप कर दिया कि इस फोल्डर में जो भी कोड है उसमें हम लॉगिन साइन अप को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो अब मेरे पास क्या आ जाता है, एक वेब का फोल्डर है, एक मोबाइल का फोल्डर है, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं ओपन करता हूँ, मैंने कहा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है। अच्छा, ये मैं आया, मैंने कहा CD 6 tab enter, ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव के फोल्डर में आ गया। उसके बाद मैंने कहा CD 2 real time
चैट ऐप आ गया, टू लिख के मैंने टैब दबाया, ये कंप्लीट हुआ, ऑटो एंटर दबा दिया। तो अब मैं किस में आ चुका हूँ, इस वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे खड़े हो गया, अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे ये क्योंकि मैं रूट फोल्डर पे आ चुका हूँ, तो रूट फोल्डर मेरा असल में सर्वर है, तो यहाँ पे मैं सर्वर को क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा, npm रन डेव। तो ये मेरा सर्वर डेवलपमेंट मोड में रन हो गया नॉर्ड मॉन के साथ, ठीक है। वैसे तो अभी नए वाले में माइनस माइनस वॉच आ गया, लेकिन क्योंकि 18 मैंने इंस्टॉल किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस की थी मैंने, तो मैं वापस 16 पे मूव हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम ये नॉर्ड मॉन को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप माइनस माइनस वॉच यूज़ कर सकते हैं नए वाले रिएक्ट के, नए वाले नॉर्ड जेएस के साथ। अच्छा, साथ में मैं एक और टर्मिनल खोलूँगा जिसमें मैं सीडी करके क्या करूँगा, मोबाइल पे चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो वेब को चला के देख लेते हैं कि वो है कैसा अभी फिलहाल, तो है ना, वेब किसी के जहन से अगर निकल गया हो। तो मैंने सीडी करके वेब किया और npm स्टार्ट, इससे क्या होगा, मेरे वेब की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। सर्वर चल रहा है तो वो लॉगिन वॉगिन जो जो हुआ है, ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। खुल जाए भाई, आज की डेट में ही खुल जाए। अच्छा, ये असल में मेरे पास ना लो पावर मॉड लगा हुआ है, इसलिए ये प्रोसेसर ना लो पावर पे चल रहा है। पावर मॉड का जो मैंने हल कर दिया, सॉकेट से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है जी। तो ये मेरी UI है, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। दूसरा प्रोजेक्टर का बटन नहीं दबाया ना बच्चा आपने, वो पावर ऑन नहीं हुआ होगा, इसको क्या हुआ है। ओके, अच्छा वो मैंने कुछ यूज़र्स डिलीट कर दिए थे, मैंने कहा था सिर्फ एक यूज़र रहेगा, वो एक यूज़र मैंने रखा था मलिक एडसेस बॉर्ग वाला ना, ठीक है। टाइम बचाने के लिए एरर वगैरह को स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवाया था, लेकिन वो आपने करवाया होगा होपफुली। अच्छा, तो ये मेरे पास चैट के सारे यूज़र्स हैं, मैं इसमें किसी भी यूज़र पर क्लिक करता हूँ और उससे मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख के उसको चैट भेजता हूँ, और वो जब मुझे भेजता है तो मुझे वो नोटिफिकेशन भी मिलती है उसकी। ये हमने वेब में बना लिए ऑलरेडी। अच्छा, तो इसको लॉग आउट करते हैं वापस। तो हम एटलीस्ट आज क्या करते हैं, ये लॉगिन वाली स्क्रीन तैयार कर लेते हैं और साइन अप वाली स्क्रीन, जो कि हमने पहले ही लॉगिन का वो एक खाका सा बना लिया था। तो आ जाते हैं, और अच्छा इतने कोड को ना मैं कमिट कर देता हूँ। बॉयलर प्लेट है एक्चुअली, राइट, सही है, ये बॉयलर प्लेट है। इसमें अभी तक मैंने कोई कोड नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने कमिट कर दिया ताकि मैं मज़ीद अभी जो भी कोड लिखूँ वो क्या हो जाए, वो डिस्टिंग्विश होकर नज़र आए कि एक्चुअल में ये वाला चेंज है। अच्छा, अब ये कोड मैंने कहाँ लिखना है, मैं मोबाइल में जाऊँगा, और मोबाइल में जाकर मैं जो मेरा app.tsx करके एक फ़ाइल है। अच्छा, ये tsx की जो फ़ाइल है ना, इसको आप बस ये समझे कि ये mjs है, ये नई वाली जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। इसमें आप उसी तरह से इम्पोर्ट करेंगे, उसी तरह से सब चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। टाइपिंग डिफ़ाइन करनी है अगर आपने तो आप कर दें, नहीं डिफ़ाइन करनी है तो कोई मसला नहीं। ये अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसने कोई टाइप डिफ़ाइन की हुई है, मैं ना करूँ ये टाइप डिफ़ाइन, तो ये अच्छा ये तो इंटरफेस बनाया हुआ है ना, इसने टाइप बनाई हुई है, इसमें तो टाइपिंग नहीं डिफ़ाइन करूँगा तो मसला ही हल हो जाएगा, ठीक है। वेल, अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरे ऐप का एलिमेंट है मेरे, राइट, इसमें से कुछ इसने JSX रिटर्न किया हुआ है, ये तो होपफुली आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। ये ऐप का कंपोनेंट है मेरे। अब ये ऐप का कंपोनेंट जो है ना, इसको बनाते हुए देखो इसने टाइपिंग डिफाइन की है। अब अगर मैं इस टाइपिंग को हटा दूँ तो इट डजेंट मेक एनी मैस, और कोई एरर भी नहीं दे रहा मुझे, कुछ भी नहीं दे रहा, सब कुछ सेट है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट का ओवरव्यू दे दूँ अगर आपको मैं, क्या ख्याल है, सही है। टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या है, इसलिए समझा दूँ ताकि ऐसा ना हो कि कल को टाइप स्क्रिप्ट का नाम सुन के आपकी हवाई हो जाए, ठीक है। जस्ट ये रीज़न है कि टाइप स्क्रिप्ट आपको पता, अच्छा यही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मिसाल के तौर पे जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, लेट ए इक्वल्स टू फाइव,
सही है। तो ये जो ए है, आपने इसका इसकी टाइप सेट नहीं की है, इसकी टाइप आपने क्या की है, सेट नहीं की है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे सिर्फ ए बनाना है, लेट ए, दैट्स इट, तो ये वेरिएबल तो बन गया ना, बट इसकी कोई टाइप नहीं है इस वक्त। इसमें मैं स्ट्रिंग रखवाऊंगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा, नंबर रखवाऊंगा, ये नंबर बन जाएगा, एरे रखवाऊंगा, ये एरे बन जाएगा। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट में तो नॉर्मल है, आपने इसी तरह पढ़ी है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में यही होता है, जावास्क्रिप्ट में ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं कुछ, जिसको स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है, या स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, उनमें ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। और जो मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग चल रही है हमारी, मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग में आम तौर पे स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, जैसा कि सी लैंग्वेज, सी शार्प, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो विंडोज़ की बनती है वो सी शार्प पे सारी बनती है, उसके अलावा स्विफ्ट है जिस पे आईफोन की और मैक की सारी एप्लीकेशंस बनती हैं, फिर इसी तरह जो जावा है, एंड्रॉयड की एप्स कुछ अरसे तक जावा पे बनती रही थी, अब कॉटलिन यूज़ करते हैं, कॉटलिन भी स्ट्रांगली टाइप्ड है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी आप क्या करते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए ना उसी वक्त बता देते हैं कि इस वेरिएबल में क्या सेव होगा, उसके अलावा कोई और चीज़ आप उस वेरिएबल में सेव नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पे, हाँ हेलो लाला, चाय तो भेज दो। तो आप ना लेट नहीं बोलते उसमें, सही है, लेट नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब ये जो ए वेरिएबल बना है ना, इसकी टाइप बनी है इंटीजर, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, जस्ट मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, तो क्या होता है फिर, 4-5-6 अलग अलग टाइप्स होती हैं। जावास्क्रिप्ट में नंबर सिर्फ एक होता है, लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो नंबर होता है वो 5-6 तरह का होता है अलग अलग। अच्छा, नंबर की जो सबसे पहली टाइप होती है वो होती है इंटीजर, सही है। अच्छा, उसके अलावा होता है फ्लोट, सही है। अच्छा, फ्लोट करके वेरिएबल मैं बना रहा हूँ बी, फ्लोट बी का 1.12। फ्लोट ऐसे टाइप के वेरिएबल होते हैं जिसमें पॉइंट वाले नंबर सेव होते हैं, इंटीजर ऐसे टाइप के वेरिएबल होते हैं जिसमें बगैर पॉइंट वाले होते हैं। अच्छा, होता ये सारा काम जावास्क्रिप्ट में भी है, होता है ना, किसी को पार्स इंट कर दो, पार्स फ्लोट कर दो, हो जाता है, मगर उसमें वेरिएबल ही अलग होते हैं। अच्छा, इंटीजर मेमोरी में अलग जगह लेता है, मिसाल के तौर पर सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट लेता है, सही है। अच्छा, फ्लोट मेमोरी में जो है वो 4 बाइट लेता है, सही है। और अगर 64-बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी में कंडीशन भी है, तो 4 बाइट लेगा फिर ये भी, सही है। 32-बिट का तो 2 बाइट लेगा, 64-बिट का तो 4 बाइट लेगा, ये वाला चक्कर है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है ये इंटीजर, यानी सी लैंग्वेज की स्पेसिफिकली बात हो रही है, सी शार्प में हो सकता है ऐसा ना हो तो। वेल, सी शार्प में बाई डिफ़ॉल्ट ये 4 बाइट का होता है, क्योंकि सी शार्प तो ज़ाहिर है वो जब हमने यूज़ की थी तो उस वक्त 64-बिट की ही विंडोज़ होती थी, जावा में भी 4 बाइट लेता है इंटीजर, सही है। तो ये एक इंटीजर हो गया, एक फ्लोट हो गया, उसके बाद एक होता है डबल, ठीक है। डबल करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ सी, सही है। डबल क्या होता है कि वो उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, फ्लोट से और इंटीजर से ज़्यादा होती है। डबल भी होता फ्लोट ही असल में, लेकिन ये मेरे ख्याल है कि 8 बाइट लेता है, सही है। अभी मैं भी भूल गया हूँ एग्जैक्टली वो कितना ले रहा होता है, लेकिन काइंड ऑफ ये 8 बाइट लेता है। अच्छा, एक होता है बिग इंटीजर, सही है। तो 4-5 टाइप्स होती हैं इसमें। थैंक यू। तो 4-5 इसमें टाइप्स होती हैं नंबर की। अच्छा, आमतौर पे क्या ये सारी इस्तेमाल होती हैं? नहीं, आमतौर पे जो इंटीजर, मिसाल के तौर पे किसी एज वगैरह लेनी है तो इंटीजर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, ठीक है। किसी का रोल नंबर वगैरह अगर है तो उसमें इंटीजर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आमतौर पर उसमें स्ट्रिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ABC भी आ जाता है ना रोल नंबर में आजकल। अच्छा, इसी तरीके से किसी का अगर बैंक बैलेंस होगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली फ्लोट में होगा, ठीक है। अब इट डिपेंड्स के फ्लोट में पता नहीं कितने ट्रिलियन तक की वैल्यू सेव हो जाती है फ्लोट में, तो इट डिपेंड्स के भाई क्या फ्लोट तक की ही वैल्यूज बैंक में स्टोर हुआ करेगी, या हमें डबल पे जाना चाहिए, ठीक है, या बिग इंटीजर पे जाना चाहिए। तो वो साइज़ देखते हुए कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज़ क्या होगा, हम इसमें से वेरिएबल कोई ना कोई चूज़ कर रहे होते हैं। तो
उन डेवलपर्स को जो इस तरह की लैंग्वेजेस पे काम करते रहे उनको ये चीज़ पसंद आती है, ठीक है, कि स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। मिसाल के तौर पे इंटीजर वेरिएबल में अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू कोई रखवाने की कोशिश करूँगा वो एरर दे देगा वहीं पे, ठीक है, और वो देगा कंपाइल टाइम एरर। अब कंपाइल टाइम एरर क्या होता है ये आप लोगों को आइडिया नहीं होगा अगर आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो। हाँ, जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, सही है, जावास्क्रिप्ट, अच्छा कंपाइल का अपोजिट आप पूछेंगे क्या होता है, तो इसका अपोजिट कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे ना कि एक कंपाइल होती है वो इंटरप्रेटेड, असल में कंपाइल का अपोजिट नहीं है, इंटरप्रेटेड कंपाइल का अपोजिट नहीं है। अब ये भी अच्छे से समझ लो कि कंपाइल का चक्कर है क्या असल में। कंपाइल का चक्कर ये होता है कि एक कोड आपने लिखा, अब ऑब्वियसली ये कोड प्रोसेसर पर डायरेक्ट नहीं चल सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोड डायरेक्ट मशीन पे कैसे चलेगा, ये वाला जो ये इंटीजर और ये फ्लोटर जो मैं लिख रहा हूँ या लेट करके बना रहा हूँ एक ही बात है, जावास्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो कोड डायरेक्ट प्रोसेसर पे नहीं चल सकता। तो आम तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो इसके लिए तरीका फॉलो किया जाता है कि पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है एक लोअर लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जो इंग्लिश में कोडिंग कर रहे होते हैं हम के इंटीजर करके या लेट करके या फंक्शन के कीवर्ड से फंक्शन ये इंग्लिश में कोडिंग कर रहे हैं, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है। हाईएस्ट लेवल अभी फिलहाल यही है जो हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, दिस इज द हाईएस्ट लेवल, इससे और हाई लेवल अभी तक फिलहाल आई नहीं है, आ सक वो फोर्थ जनरेशन हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि इसके बाद एक और आएगा जनरेशन जिसमें हम रियल लैंग्वेज में बात करेंगे, यानी जैसे हम अभी चैटबॉट उसकी मिसाल है, चैट जीपीटी उसकी मिसाल है कि हम सेंटेंस में बोलेंगे कि ये कर दो और वो सामने से करेगा, लेकिन इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक इंट्रोड्यूस हुई नहीं है। हम ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि एक फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी जिसमें हम, इसमें तो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो पूरा इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश ग्रामर लिखा करेंगे उसमें, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो वेल अभी हाईएस्ट ये है, जब वो आ जाएगी तो हाईएस्ट लेवल फिर वो होगा। तो इस हाईएस्ट लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोअर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, इसको डायरेक्ट 0-1 में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल तो है लेकिन वायबल नहीं है, फीजिबल नहीं है, ठीक है। वायबल और फीजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोसेसर होते हैं अलग अलग तरह के। ये कोड अगर, इस कोड को मुझे अगर आर्म के प्रोसेसर पे चलाना है तो थोड़ा सा बाइनरी बनेगी डिफरेंट, और अगर x86 के प्रोसेसर पे चलाना है तो थोड़ी सी बाइनरी बनेगी डिफरेंट, समझ रहे हो बात। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेसर का भी पता होना चाहिए कि प्रोसेसर काम कैसे करता है, थोड़ा सा भी इसको साइड पे करके भी प्रोसेसर को भी एक रोशनी डाल लें उस पर कि हाउ डज प्रोसेसर वर्क। इनफैक्ट प्रोसेसर में 0-1 सुनते आ रहे हो ना बचपन से, यार प्रोसेसर को 0-1 समझ आता है। अब 0-1 प्रोसेसर 0-1 का क्या करता है, मतलब क्या चल रहा है ये, क्या है ये 0-1, मतलब 0-1 तो चलो सही है, बाइनरी है, सही है, लेकिन प्रोसेसर को 0-1 जब देते हैं तो क्या होता क्या है उससे, क्या कोई ख़ास सीक्वेंस है 0-1 का, क्या हम वो प्रोवाइड करते हैं, या कुछ पहले से बने हुए 0-1 का कुछ कोड है, मतलब इस तरह तो 0-1 में तो कुछ भी बोल दूँ ना, मैं बोलूँ इस चाय के कप को सोने का बना दो, तो प्रोसेसर को मैं क्या ये बोल सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो इसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि वो 0-1 का चक्कर क्या है, समझ वो 0-1 होता क्या है और प्रोसेसर उसको करता क्या है। तो देखो, जो प्रोसेसर होता है ना, जो सबसे सिंपल प्रोसेसर जो है, दुनिया का सबसे सिंपल प्रोसेसर जो है वो एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो टांगों में करंट देते हैं तो तीसरी टांग से वो गेट खोल देता है। तीन टांगे होती है ना प्रोसेसर की, ये वो वाली बात हो रही है, कहीं और नहीं जाओ, ऐसे मुंह पे हंसी आई है जैसे ठीक है ना, एक को इमीटर कहते हैं पता नहीं, देख को बेस कहते हैं और पता नहीं तीसरा कुछ होता है, ठीक है, मुझे इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स का वैसे नहीं पता, लेकिन वो तीन उसकी टांगे होती हैं, तो वो उसको एक सर्टेन वे में जब आप करंट देते हो ना तो वो अपना गेट ओपन या क्लोज कर देता है। ये समझ आई बात सब लोगों को, अगर किसी को ट्रांजिस्टर का आइडिया नहीं है तो वो
बताया मुझे, मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि दिस इज़ द वेरी कोर ऑफ अ प्रोसेसर. अगर ये ट्रांजिस्टर समझ आ जाएगा तो प्रोसेसर पूरा खुद समझ आएगा. सही है. ट्रांजिस्टर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीन उसकी टांगे होती हैं ट्रांजिस्टर की, एक का नाम होता है बेस, एक का नाम, अब नाम मैटर नहीं करता. अब उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर ट्रांजिस्टर की यहाँ पे फ़ोटो खोल लूँ ना तो शायद मैं बेटर समझा पाऊँ. ओके अब एक इसमें से ना, अब इमेजिन पे चल रहा हूँ मैं, इमेजिनेशन पे चल रहा हूँ मैं. सही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन सी टांग कौन सी वाली है. इमेजिन करो मैंने एक तार लगाई यहाँ पे और एक तार लगाई मैंने यहाँ पे. अब ये इस तार से जो करंट जाता है ना उसको घूम के आना चाहिए इस तार से वापस, है ना. एक्चुअल में स्विच बटन जो वो इसी तरह काम करता है कि अगर मैं इसको, बल्कि मैं ड्राइंग की ऐप में लेके चलूँ, अगर ड्राइंग की ऐप एक नई आई है उसको मैं आज उसका इफ्तिताह कर दूँ. क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, फ्री फॉर्म नाम है इसका, पता नहीं इसमें इंस्टॉल होगी या नहीं होगी. हाँ फ्री फॉर्म है ये. फाइनली एप्पल वालों ने बात सुनी है हमारी. जब मैं नया नया इस पर मूव हुआ था तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट को बड़ा मिस करता था, तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट जैसी कोई ऐप इसमें थी नहीं, तो ये इन्होंने फाइनली इंट्रोड्यूस करवा दिया. अब मेरे पास ना अगर एक पावर सोर्स है, अबे क्या क्या है ये, अच्छा मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, देख लो ज़रा. पेन चाहिए ना मुझे, पेन कहाँ है इसमें, पेन तो है ही नहीं. नहीं ये वो वाला पेन नहीं है ये जो मुझे चाहिए. अरे भाई फ़ोन से डिफरेंट है ये, फ़ोन में ऐसी नहीं है, फ़ोन में डिफरेंट है. छोड़ो पेंट पे ही चलते हैं वापस. फ़ोन में उसमें पेन भी आ रहा है जो हाथ से लिखने वाला पेन होता है, इसमें नहीं आ रहा वो. तो मेरे पास जो है ना एक पावर सोर्स है यहाँ पे ना, प्लस और माइनस. अब इस पावर सोर्स को आगे ले जाके मैं एक यहाँ पे बल्ब से कनेक्ट करता हूँ. सही है, ये बल्ब है मेरे पास और इस पावर सोर्स को मैं बल्ब को दे देता हूँ तो ये बल्ब जल पड़ा. अच्छा इसके बीच में अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्विच लगा सकता हूँ, है ना. यहाँ पे एक स्विच लगा सकता हूँ जो क्या कर देगा, इसको ऑन या ऑफ कर देगा. यानी बीच से पावर कट करेगा तो बल्ब बंद हो जाएगा और बीच से पावर जब वो खोल देगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा वापस से. अच्छा अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक अदद ट्रांजिस्टर. ये ट्रांजिस्टर को मैंने सर के बल खड़ा किया यहाँ पे और एक टांग इसकी मैंने इधर गिर दी और एक टांग मैंने इसकी कर दी इधर. और वापस जूम आउट कैसे होगा, सही है. और बीच का कुछ हिस्सा जो ये बचा हुआ था ना ये सब मैं इसको उड़ा देता हूँ. सही है, ये सब मैंने उड़ा दिया बीच में से जो था. अब मेरे पास क्या आ गई, ये ट्रांजिस्टर की जो है ना ये तीसरी टांग आ गई मेरे पास. सही है. अब ये जो तीसरी टांग है ना मैं इसको दूंगा पावर अलग से, तो ये क्या करेगा, ये करंट को ना यहां से ऐसे यूं घुमा के वापस इस तरफ निकाल देगा. दिस इज अ ट्रांजिस्टर, ठीक है. अच्छा इसको मैं पावर कैसे दूंगा, इसको मैं पावर ऐसे दूंगा कि देखो इस तरफ से जो आ रहा है ना ये क्या है, ये माइनस है ना, मिसाल के तौर पे ये माइनस है तो माइनस इसको यहाँ पे मिल रहा है. मुझे इस वाले को और इस वाले को, सही है. आपको पता है करंट जो है वो माइनस की तरफ से फ्लो करता है, यूँ फ्लो करता है, ठीक है, और पॉजिटिव में यूँ जा रहा होता है वापस, तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है असल में, ठीक है. तो मैं इसको यहाँ पे प्लस दूंगा और इसको यहाँ पे माइनस तो मिल ही रहा है उसको, तो जैसे ही मैं इसको पावर सोर्स दूंगा ना यहाँ पे तो यहाँ से अपना गेट क्या कर देगा, ये यहाँ से अपना गेट ये ओपन कर देगा. सही है, तो करंट यहाँ से निकल के यूँ चला जाएगा, यहाँ पे बत्ती जल जाएगी. अच्छा जैसे ही मैं ये पावर सोर्स, ये वाला जो पावर सोर्स है ये जैसे ही मैं हटाऊँगा तो वो बल्ब वापस बंद हो जाएगा.
ठीक है। अच्छा, ये इसमें दो तरह के होते हैं, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है, ठीक है। अच्छा, एक अब मुझे नहीं पता है एनपीएन कौन सा वाला होता है, पीएनपी कौन सा वाला, लेकिन उसमें से एक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट होता है, यानी अगर पावर सोर्स नहीं होगी तो करंट बाय डिफॉल्ट जा रहा होगा, पावर सोर्स दूंगा तो करंट रोक लेगा, ठीक है, सर्किट ब्रेक कर देगा। और एक होता है जो बाय डिफॉल्ट ब्रेक होता है, जब पावर सोर्स दूंगा तो करंट को जाने देगा, समझ लो। अभी तो जो मैंने ये लगाया है इसमें मैंने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट वो करंट को नहीं जाने देगा, बाय डिफॉल्ट वो रोक के रखेगा, जब मैं पावर दूंगा तो फिर वो करंट को बोलेगा कि अच्छा तुम जाओ, गेट अपना ओपन करेगा। तो एक होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट गेट ओपन होता है, और एक होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट गेट क्लोज होता है। अच्छा, पावर देने की सूरत में अपोजिट होगा, अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ओपन है तो क्लोज हो जाएगा। तो ये पीएनपी और एनपीएन आपने बचपन में शायद पढ़ा हो, तो ये वो चीज़ होती है, ये सही है। तो दिस इज अ ट्रांजिस्टर। अच्छा, एक सिंगल डिसीजन लिया जा रहा है इसमें, जीरो या वन, यही हो रहा है ना। अगर पावर देता हूँ मैं तो वो वन हो जाता है, यानी गेट ओपन कर देता है, पावर हटाता हूँ तो वापस जीरो हो जाता है वो। अब इसी तरह के ट्रांजिस्टर को ना, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ट्रांजिस्टर दो को कैसे जोड़ा और फिर दो से 2000 को कैसे जोड़ा और 2 बिलियन और अभी तो पता नहीं कितने ट्रिलियन ट्रांजिस्टर हो गए ना, पता नहीं कितने बिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं प्रोसेसर में। तो हर एक ट्रांजिस्टर कैन मेक अ डिसीजन, जीरो और वन। अच्छा, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मैंने आपको बेसिक बताई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, अभी यहाँ पे ना इनपुट इसको मिलता है एक और आउटपुट भी ये देता है एक। इनपुट क्या है? पावर सोर्स, ठीक है। इनपुट देता हूँ मैं वन तो रिजल्ट हो जाता है वन, और इनपुट को मैं हटा लेता हूँ यानी कि करंट को जीरो कर देता हूँ तो आउटपुट भी जीरो हो जाता है मेरे इस डायग्राम के केस में। अच्छा, लेकिन अगर ये अपोजिट ट्रांजिस्टर होता दूसरा वाला तो क्या होता? जब इनपुट देता मैं इसको वन तो जीरो हो जाता आउटपुट, और इनपुट देता जब जीरो तो आउटपुट वन हो जाता है ना। तो इनपुट आउटपुट समझ आ रहा है, एक ट्रांजिस्टर के अंदर, एक सिंगल ट्रांजिस्टर के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होंगे तो इनपुट भी एक से ज़्यादा होगा, है ना। अभी तो एक ट्रांजिस्टर है, एक ही रिजल्ट है, जब मल्टीपल ट्रांजिस्टर एक साथ जोड़े जाएंगे तो उसका इनपुट भी मल्टीपल होगा और उसका आउटपुट भी मल्टीपल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दिस इज़ द वेरी कोर ऑफ अ प्रोसेसर। अब किसी और दिन में भी अगर मौका मिला तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि अब ये दो को जोड़ेंगे कैसे और तीन को कैसे जोड़ेंगे, फिर उसमें इनपुट कैसे आएगा, आउटपुट, बहुत लंबी स्टोरी होगी, ठीक है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में कहीं इस तरह से डिस्कस नहीं करते, हालांकि अब पता नहीं आप में से किसी ने ये इस तरह का कोई टॉपिक पढ़ा है कभी, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने हर जगह के लेक्चर्स देखे हैं, MIT के, हॉवर्ड के, मैसाचुसेट्स जो है ना बड़ा मशहूर है यार MIT, उसके ऊपर कोई है नहीं, तो उसमें तो कहीं पे इस तरह डिस्कस नहीं करते हैं। वो थ्योरेटिकल बात करते हैं, बहुत हाई लेवल पे बात करते हैं, तो वो समझ नहीं आती। मेरे जैसा जो बंदा है ना थोड़ा स्लो प्रोसेसर वाला, उसको ऐसे डिटेल में समझाओ तो फिर समझ आता है, वरना नहीं आता। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि अब एक प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, जब एक प्रोसेसर को बनाया जाता है, जाहिर है ये जो ट्रांजिस्टर है इसको एक खास तरह से जोड़ा गया है। अच्छा, तो अलग अलग प्रोसेसर में जैसे दो मेजर जो हमारे पास टाइप्स हैं प्रोसेसर की, एक है x86, एक है ARM, जो राइट नाउ हम जिसको देख रहे हैं। अच्छा, x86 में भी वर्जन है, x86 में डिफरेंट वर्जन है, वक्त के साथ साथ वो नए वर्जन आ रहे हैं। जैसे पहले 32 बिट तो खैर नहीं है वर्जन उसका, खैर x86 में कोई वर्जन नहीं चेंज हुआ हमारी लाइफ टाइम में, उससे पहले शायद हुआ होगा। ARM के अंदर v7 हुआ करता था, अब v8 आ गया, तो v8 की जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर उसमें ARM में बहुत डेवलपमेंट हुई है, एक उसमें एक RISC और 6 पता नहीं क्या करके होता था एक, हाँ है एक, एक प्रोसेसर की टाइप है ये। इमेजिन करो इसी ट्रांजिस्टर को जोड़ जाड़ के ना, एक किसी ने बनाया उसने अपना नाम रखा प्रोसेसर का, ये ARM है, ARM, और एक किसी दूसरे ने अपना प्रोसेसर बनाया उसने अपना नाम रखा x86, सही है। तो ये दो अलग अलग हैं। अच्छा, दोनों ने इनपुट अलग अलग सोचा होगा, जाहिर है दोनों ने आउटपुट भी अलग अलग तरह से सोचा होगा। तो ये जो कंप्यूटर चल रहे होते हैं इनके इनके प्रोसेसर, बावजूद इसके कि विंडोज ARM पे भी चलती है, x86 पे भी चलती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा यहाँ पे झोल जा रहा है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी हैं वो सारे ARM बेस होते हैं, iOS भी, ये iPhone भी सारे ARM बेस होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन अदर एंड x86 होते हैं, समझ रहे हो। तो प्रोसेसर का डिफरेंस आ रहा है। तो हर प्रोसेसर जब बनता है तो उसके बनने के साथ साथ ही जो उसको बनाने वाला है ना वो उसके तमाम इंस्ट्रक्शन सेट्स उसी वक्त डिफाइन कर देता है।
इतनी मोटी बुक मैनुअल, उसमें सारे बाइनरी के कोड भरे हुए होते हैं कि ये बाइनरी का कोड देंगे तो ये प्रोसेसर ये काम करेगा, ये बाइनरी का कोड देंगे तो ये प्रोसेसर ये काम करेगा, सारा का सारा कोड होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट की एक बुक है, तमाम कीवर्ड्स मौजूद हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट में ये कीवर्ड होते हैं, लिखने से ये काम इससे परफॉर्म होता है। इसी तरह वो बाइनरी की पूरी एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेक्स कोड। अच्छा, तो आओ देख लेते हैं कि x86 का हेक्स कोड कैसा होता है और ARM का हेक्स कोड कैसा होता है। ये मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ किसी और बात को बताने के लिए, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। x86 हेक्स कोड, ठीक है, मशीन कोड x86, ये किसी ने वेबसाइट बनाई हुई है। अरे अरे नहीं भाई नहीं, हाँ x86 इंस्ट्रक्शंस चाहिए थी मुझे, ये रहा, देख रहे हो ये इंस्ट्रक्शन सेट है इसका। अब इसने पता नहीं टेबल में क्या बनाया, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट लिखूंगा ना शायद मैं, इंस्ट्रक्शन सेट रेफरेंस, सही है। इंस्ट्रक्शन सेट रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी इंस्ट्रक्शन और उससे होता क्या है वो, सही है। अच्छा, ये दिस इज़ अ बाइनरी एक्चुअली, राइट, ये इसको बाइनरी को लिखने का कोई मुख्तलिफ तरीका इन्होंने निकाला है, तो इस तरह से लिखा हुआ है, सही है। ये सारी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस है जो एक प्रोसेसर को दी जा सकती है, और उसका जो प्रोसेसर के जो ट्रांजिस्टर का जो एक कॉम्बिनेशन है खास, वो इससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकालता है, ठीक है। मे बी हमें वो ये वाला बाइनरी नहीं, वो एक्चुअल वाला बाइनरी मे बी हमें मिल जाए। x86 ASM, नहीं यार, वो असल में जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ ना, वो मुझे अभी तक नज़र ही नहीं आई कहीं पे। लिस्टिंग। अच्छा, विकीपीडिया को ब्लॉक कर दिया ना पीटीए वालों ने, पता है विकीपीडिया ब्लॉक कर दिया इन्होंने। मैंने कहा यार क्या वाहियात हरकत की है। पता नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि किया क्यों है। अच्छा नहीं, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, आप अपना बंदा बिठा दो उसको एडिट करते रहो। हाँ, लेकिन ये कि अप्रूव, उसमें फिर रेपुटेशन बनानी पड़ती है इतनी कि आपका डेटा अप्रूव हो। वेल, मुझे वो चार्ट नज़र नहीं आ रहा, उसमें क्या होता है कि हेक्स का कोड होता है H0X और 000110 ऐसे करके एक इंस्ट्रक्शन होती है, और उस इंस्ट्रक्शन की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों का ना इंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, ARM का और x86 का, और भी कई तरह के प्रोसेसर हो सकते हैं इन फ्यूचर मे बी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखनी है एक, सी लैंग्वेज इज़ वन लैंग्वेज, उस पर लिखा हुआ कोड दोनों पे चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला यार दोनों तो इंस्ट्रक्शन सेट अलग अलग, एक दरमियान की लैंग्वेज बनाते हैं जिसका नाम इन्होंने रखा असेंबली लैंग्वेज, सही है। असेंबली लैंग्वेज पे इन्होंने बोला कि यार जो हाई लेवल का कोड है ना वो असेंबली में कन्वर्ट होगा। असेंबली दरमियानी एक लैंग्वेज है ना, बिल्कुल लोअर लेवल है, 0-1 नहीं है, ठीक है, 0-1 क्योंकि दोनों की अलग अलग है, और ना बिल्कुल हाई लेवल है। अच्छा, उसमें इंस्ट्रक्शन सेट होती है उसमें भी, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, दोनों प्रोसेसर में से लेके ना कॉमन जो है वो उसका एक बना दिया। तो सी लैंग्वेज हमेशा कंपाइल होती है असेंबली लैंग्वेज पे। अच्छा, उसके असेंबली लैंग्वेज का एक नाम होता है, वो ऑब्जेक्ट्स पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट पता नहीं, OBDC पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नाम होता है कोई उसका बारे में। तो वो इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज होती है, जावा भी उसी पे कंपाइल होती है, सी शार्प भी गालबन उसी पे कंपाइल होती है, ठीक है। जावा भी जो है ना वो ऑब्जेक्ट करके एक चीज़ होती है, उसमें कंपाइल होती है, सही है। तो वंस ये उस पर कंपाइल हो जाती है ना, तो उससे फिर उसको फ़ौरन से 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ईजी होता है और फास्ट होता है। अच्छा, एक तो ये बेनिफिट हो गया कि यार सी लैंग्वेज का कोड कंपाइल हो के वो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा, और उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, उस प्लेटफॉर्म का आप बाइनरी बना के और उस पर फ़ौरन उसको रन करोगे आप। दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा ना ऑब्जेक्ट वाली लैंग्वेज पे, यानी कि असेंबली लैंग्वेज पे,
तो उसमें जो भी एरर्स होंगे उसको कंपाइल करते हुए यानी कन्वर्जन करते हुए उसको चेक किया जाएगा कि यार क्या कोई एरर तो नहीं है, क्या कोई इसमें एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होता है तो उसको उसी वक्त रोक दिया जाता है उस कंपाइलेशन को, ठीक है, और आपको कहता है वो एरर को सही करो। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट वाली लैंग्वेज में यानी कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो वो एरर फ्री होता है। और जब भी उसको, अच्छा वो ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट नहीं चलता, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट नहीं चलता, वो क्या होता है कि किसी भी मशीन पे उसको चलाना है ना जब, तो उस मशीन पे उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको बिल्ड करते हैं। अगर विंडो मशीन है तो एक्जी बन जाएगा, अगर वो मैक मशीन है तो उस पर डीएमजी बन जाएगा, अगर लिनक्स है तो उस पर शायद वो डेबियन बन जाएगा, डीईबी। तो हर मशीन की बाइनरी उसी पर खड़ी करके बनाते हैं, उसी मशीन के ऊपर ले जाके, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको एक्जी मिला है ना तो आप उसको लिनक्स पे नहीं चला सकते, वो विंडोज़ पे ही चलेगा सिर्फ, ठीक है। और वो इंटरमीडिएटरी जो होता है वो असल में सोर्स कोड होता है, तो वो शेयर नहीं किया जाता, वो जिस जो सोर्स कोड के साथ ही उसको रखा जाता है कि भाई ये भी सोर्स कोड है। तो ये होता है कंपाइलेशन। अच्छा ये जो कंपाइलेशन का मैंने प्रोसेस बताया, क्या इसको दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको स्किप किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। या तो मैं डायरेक्ट अगर जावास्क्रिप्ट को या सी शार्प को डायरेक्ट 01 में कन्वर्ट करूं, मैं कर सकता हूं वो काम, ठीक है, ऑब्वियसली कर सकता हूं, बीच वाली इंटरमीडिएटरी में मैं ना लाऊं, लेकिन उससे होगा क्या कि वो एक बार कंपाइल होगी ना तो सिर्फ एक सिस्टम के लिए होगी, सबके लिए नहीं हो सकती, हर मशीन के लिए कंपाइल नहीं कर सकता मैं, हर मशीन के लिए अलग अलग मुझे करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा प्रॉब्लम उससे क्या होगा कि कोई भी अगर एरर होगा ना वो डायरेक्ट प्रोसेसर तक पहुंचेगा और प्रोसेसर क्रैश हो सकता है। प्रोसेसर क्रैश होगा, अगर प्रोसेसर के अंदर कोई गलत इंस्ट्रक्शन गई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। तो ये वाला स्टेप ना इसी तरह होता है दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा जावास्क्रिप्ट में हम कंपाइल नहीं करते, कंपाइल जावास्क्रिप्ट में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर ना जो भी प्लेटफॉर्म हो गूगल क्रोम ब्राउज़र एक ही होता है, तो इसलिए हम इसको कंपाइल नहीं करते, है ना। इसमें वो वाला चक्कर नहीं है इंटरमीडिएटरी वाला, जावास्क्रिप्ट इट सेल्फ इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज है, ठीक है, इट्सेल्फ जावास्क्रिप्ट वही है, तो इसलिए हम इसको कंपाइल नहीं करते। लेकिन इंटरनली प्रोसेस वही हो रहा होता है सारा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। तो क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज है ना, तो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ जितना भी कोड है उसको सी में कन्वर्ट किया जाएगा पहले, और सी में कन्वर्ट करने के बाद फिर ऑन जो फर्दर वही प्रोसेस है जो सी का है। सही है, नहीं वो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। वो असल में होता ही है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जब मैं ब्राउज़र को देता हूँ ना, तो ब्राउज़र ऑन द गो उसी वक्त उसको कंपाइल भी करता है और रन भी करता है। वो एक एक लाइन को कंपाइल करता जाता है और एक एक लाइन को रन करता जाता है, ठीक है। सी लैंग्वेज में पूरे कोड के लिए कंपाइलेशन एक दफ़ा होती है और फिर उसके बाद रन करो आप या नहीं करो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जब मैं उसको रन करता हूँ तो एक एक लाइन को कंपाइल करता है, प्रोसेस वही है लेकिन एक एक करके करता है लाइन को, और कंपाइल करते ही हाथ के हाथ उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। सही है, उस कंपाइलेशन को सेव नहीं करता, उस कंपाइलेशन को फौरन एग्जीक्यूट कर देता है। अच्छा वो कंपाइलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गूगल क्रोम समटाइम लिनक्स पे चल रहा होगा, गूगल क्रोम समटाइम मैक पे चल रहा होगा, तो जिस मशीन पे चल रहा है प्रोसेसर तो वो वाला है, आर मै या x86 है या जो भी है, तो उसके हिसाब से कंपाइल करना होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस लाइन बाय लाइन होता है, तो असल में होती ये भी है। तो इस तरह का जो फेनोमेना होता है ना कि लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करके और हाथ के हाथ रन किया जाए, इसको इंटरप्रेटेड कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपाइलेशन का अपोजिट नहीं है, कंपाइलेशन इसमें भी हो रही होती है, नज़र नहीं आती। अच्छा इसमें क्या होता है, जब वो एक लाइन को पढ़ता है तो वहाँ तक अगर कोई एरर नहीं है ना तो उसको चला देता है, वो जहाँ पे एरर आता है ना वहाँ पे रोक देता है, कहता है यार आगे नहीं चल सकता ये, ठीक है। सी लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज में ऑन अदर एंड क्योंकि पूरे कोड को एक दफ़ा कंपाइल करके रख लिया जाता है और बाद में उसको रन किया जाता है, तो वो उसको मेक श्योर करने के लिए कि वो बाद में कोई एरर ना आए, तो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर आता है ना तो वो कंपाइलेशन को रोक देता है। सही है। अच्छा ये रोकना जो है वो टेक्स्ट एडिटर जो भी होता है ना उसका फीचर होता है कि उसको कंपाइलेशन को रोक देता है। अगर मैं चाहूँ, क्योंकि मैंने पहली लैंग्वेज सी लैंग्वेज सीखी थी, अगर मैं चाहूँ तो मैं एरर आने के बावजूद कंपाइलेशन को रोकूँ ना, मैं बोलूँ होने दो कंपाइलेशन, वो बना देगा वो ऑब्जेक्ट जो भी उसको समझ आएगा, और उस ऑब्जेक्ट को मैं रन करूँगा तो वो क्रैश हो जाएगा। सही है, वो रन नहीं होने देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जाहिर है उसको वो रोक देगा, बैरियर होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर तक तो जाने नहीं देता एरर को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे रोक देता है। तो वो जो कंपाइलेशन रुक जाती है ना अगर कोई एरर हो, तो
वो असल में क्या होता है, वो जो भी टेक्स्ट एडिटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फीचर होता है कि यार उसको आगे कंपाइल मत होने दो, अगर एरर आ गया तो यहीं रोक लो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो उसको बोलूँ जाने दो, वो करेगा। ये टर्बो सी के अंदर ऑप्शन होता है, आप जाके चेक हटा दें वहाँ से स्टॉप कंपाइलेशन, तो वो एरर के बावजूद कंपाइल करके फाइल बना के रख देगा सामने आपके। जी देखो, असेंबली लैंग्वेज जो है ना, अभी वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कंपाइलेशन स्टेप्स लिखूंगा ना मैं तो वो आ जाएगा, मैं उसका भी नाम बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। किसी ने वो यहाँ पे नहीं लिखा। जावा भी ना उसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट करके पता नहीं क्या होता है उसका नाम ना, असल में असेंबली जो है ना वो चीज़ नहीं है जो शायद तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। अरे वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है कोड, जावा भी उसी पे कंपाइल होता है, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस लिखता हूँ, शायद उसमें किसी ने जिक्र किया हो। बाइट कोड, सही है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है असल में वो। असेंबली तो शायद मुनासिब वर्ड नहीं होगा, लेकिन बाइट कोड भी असल में असेंबली ही होता है। देखो फ़र्क समझो बहुत गौर से, असेंबली ना, असेंबली को साइड पे कर दो अभी, असेंबली कोई चीज़ नहीं है, इमेजिन करो इसको फिलहाल, क्योंकि असेंबली आप इसको भी बोल सकते हैं बाइट कोड को, और असेंबली आप x86 के इंस्ट्रक्शन को भी कह सकते हैं, दोनों को कह सकते हैं, क्योंकि बाई डेफिनेशन दोनों असेंबली हैं, क्योंकि दोनों लो लेवल हैं। एक x86 की इंस्ट्रक्शन अलग है, एक आर्म की इंस्ट्रक्शन अलग है। ये इंस्ट्रक्शन सेट है, ये 01 है, ये हेक्स कोड है, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है इन कोड्स के अंदर, ठीक है। हेक्साडेसिमल कोड तो देखा है ना कैसा होता है, ठीक है। हेक्स कोड जो है ठीक है, काइंड ऑफ दिस होता है हेक्स कोड, सही है। ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है इसकी, ठीक है। अगर सिंबॉलिक लिखें तो काइंड ऑफ इस तरह से, आपने अक्सर देखा होगा विंडोज़ में कुछ एरर आते हैं उसमें ये लिखा हुआ भी आ रहा होता है कोड, नोट किया कभी? अक्सर एरर आते हैं उसमें ना शुरू में ये बात लिखी हुई होती है एरर कोड और दिस, वो असल में आउटपुट होता है प्रोसेसर का, जो वो डायरेक्ट समटाइम हम करते हैं ना कि सर्वर से जो भी मैसेज आए डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दो, तो विंडोज़ में भी बहुत सारी जगहों पर ये हरकत की हुई है उन्होंने, तो ये कोड डायरेक्ट स्क्रीन पर ऐसा नज़र आ जाता है, ऐसा ऐसा वाला कि 0xFFFF वो इंस्ट्रक्शन सेट बता रहा होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट जस्ट ये होता है और कुछ भी नहीं होता उसमें। अच्छा, तो बाइट कोड जो यूनिवर्सल कोड होता है, जो दोनों में से यूनिवर्सल, जैसे अभी हमने रिएक्ट नेटिव में असल में यही देख रहे हैं ना हम, कि एक होता है व्यू, iOS में नाम कुछ और है, एंड्रॉयड में नाम कुछ और है, इन्होंने एक यूनिवर्सल बनाया हुआ व्यू, तो सी लैंग्वेज से कंपाइल होगा व्यू में, अब व्यू इज़ अ बाइट कोड। अब वो अल्टीमेटली फिर जब जिस प्लेटफॉर्म पर होगा उसके असेंबली में, असेंबली फिर मैं बोल रहा हूँ, असेंबली सही वर्ड नहीं है, उसके उसके इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्स इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चलेगा, ठीक है। अब असेंबली क्या है उसको तुम डिटेल में डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो दोनों को हम असेंबली बोल सकते हैं, बाइट कोड को भी असेंबली लैंग्वेज हम कह सकते हैं, ठीक है, और जो हेक्स कोड है उसको भी हम असेंबली कह सकते हैं, लेकिन असेंबली इज अनदर लैंग्वेज, वो दोनों में से नहीं है, ये दोनों असेंबली नहीं है, असेंबली इज अनदर लैंग्वेज, ठीक है, जिसको एक्चुअल में हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में शायद आपने किसी ने पढ़ा हो, तो उसमें वो कहते हैं ना वो रजिस्टर्स होते हैं, तो मूव टू एफ टू मूव टू एन, वो वाला चक्कर, ठीक है, तो वो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है बाइट कोड का, जो असेंबली लैंग्वेज है दैट इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बाइट, क्योंकि बाइट कोड को आप पढ़ ही नहीं सकते, असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता है बाई ह्यूमन, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज, बाकायदा एक लैंग्वेज है वो, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, ये कौन होते हैं इसके एक्सपर्ट? ये जो आर्किटेक्चर डिज़ाइनर होते हैं ना, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो उनका काम होता है, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में ऐसे किसी को नाम दे देते हैं आर्किटेक्ट डेवलपर है ये, ठीक है। तो जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर को देख रहे होते हैं वो असल में इन चीज़ों को डील करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है,
आम तौर पे शायद आपको ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की चीज़ों से डील करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो बिल्कुल ही जो लो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मतलब वो कंपनीज होती हैं जो डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कर रही हैं। जैसे अभी एप्पल ने अपना सिलिकॉन प्रोसेसर बना लिया ना, तो एप्पल कंपनी में जो जिन लोगों ने अपना सिलिकॉन प्रोसेसर बनाया ना, वो इन चीज़ों को देख रहे होंगे। एप्पल का जो M1 है वो वैसे तो आर्म वाला इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है, लेकिन उन्होंने अपना भी कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, ठीक है, ARM V8 को फॉलो करता है वो, लेकिन उन्होंने अपना भी कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया होगा, जैसे कि वो GPU VPU पता नहीं क्या क्या है, तो वो तो नहीं होते M1 जो M1 में उन्होंने डाला है। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट होंगे ना, जो इन चीज़ों को देख रहे होंगे, वो इसको डील करते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, तो हम वापस आते हैं इधर। अब जो टाइप स्क्रिप्ट होती है ना हमारी, हाँ भाई तवज्जो है इधर, अब जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है ना, इसका काम कहाँ पे आता है? इसका काम यहाँ पे आता है कि ये ट्रांसपाइलर है, ये कंपाइलर नहीं है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, ये ट्रांसपाइल होती है। ट्रांसपाइल होने का मतलब क्या है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज से दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन जब होती है उसको हम ट्रांसपाइल कहते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज दैट इज डिजाइंड बाई माइक्रोसॉफ्ट। जावास्क्रिप्ट इज अनदर लैंग्वेज, ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। टाइप स्क्रिप्ट खुद डायरेक्टली कहीं पे चल नहीं सकती है, टाइप स्क्रिप्ट को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, जब ही वो चलती है, अदरवाइज वो चल नहीं सकती, एग्जीक्यूट होने के काबिल नहीं है वो। तो आप कोड लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, कंपाइल का बटन दबाते हैं जस्ट लाइक सी लैंग्वेज और सी शार्प और जावा, और वो कन्वर्ट हो जाती है .js की एक फाइल बन जाती है उसकी एज अ रिजल्ट, ठीक है। अगर तो बाइट कोड में होता ना तो हम इसको कंपाइलेशन कहते हैं, लेकिन ये कंपाइलेशन नहीं है, ये है ट्रांसपाइलेशन, एक हाई लेवल से दूसरे हाई लेवल पर जा। अब वो जो बनाया ना जावास्क्रिप्ट वो चलेगा प्रोसेसर पे, वो जाएगा जैसे पहले जाता था वैसे ही जाएगा अभी भी। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बेनिफिट क्या है कि आप ना ये वेरिएबल इस तरह करके बनाते हैं जैसे सी में बनाते थे, सी शार्प में बनाते थे, लेकिन जब वो कन्वर्ट होगा ना एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें कोई ये इंटीजर वेंटीजर नहीं होगा, उसमें तो वही होगा लेट करके जो होता है प्रॉपर। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि ये क्योंकि ट्रांसपाइल होता है तो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई एरर होता है तो ट्रांसपाइल होते हुए वो आपको रोक देता है। अच्छा, ये रोकना भी बाय द वे फीचर है, इसको भी मैं बोलूँ ना रोको, जाने दो, एरर है तो है, कर दो कंपाइल, तो कर देगा वो, सही है। तो कंपाइलेशन या ट्रांसपाइलेशन जो रुक जाती है एरर आने पे, दैट इज़ अ फीचर, उसको मैं बोलूँ नहीं रोको तो वो कर देगा कंपाइल, ठीक है, एरर होगा फिर भी कर देगा। तो इसी तरह जब मैं टाइप स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखता हूँ और मैं इसको ट्रांसपाइल करता हूँ, तो ये क्या करता है, पूरे कोड को पढ़ता है, और टाइप स्क्रिप्ट वालों ने अपने कुछ रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हैं पहले से कि कैसे एरर को डिटेक्ट करना है, वो सारे अपने रूल लगाते हैं एक एक करके, और एरर अगर उनकी पकड़ में आता है तो वो पकड़ के सामने बता देते हैं कि भाई ये एरर है, इसको सही करो, दोबारा ट्रांसपाइल होगा। हम उसको सही करते हैं, दोबारा ट्रांसपाइल करते हैं और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट जो जावास्क्रिप्ट जनरेट होती है वो एरर फ्री होती है। जी भाई, असल में जो ये मेन स्ट्रीम में जो लैंग्वेजेस चल रही है ना, उनको कंपाइल करने की आदत है, उनको ये वाली आदत नहीं कि रन टाइम पे एरर है, इसलिए ये उनको आदत है इस चीज़ की, ठीक है। दूसरा ये है कि उनको कंपाइल टाइम पे एरर सामने आ जाए, ये भी इसकी भी उनको आदत है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे टाइम भी बचता है, अगर कंपाइल टाइम पे एरर पकड़ में आ जाए तो इससे टाइम बचता है, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, ठीक है, तो इसलिए ये लंबी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि अब टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं रही है अब 2022 में। अच्छा, वो इसलिए मुझे लगता है, अच्छा ये सबका ओपिनियन नहीं है, इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाइप स्क्रिप्ट बहुत काम की चीज़ है अभी भी, ठीक है, ये तो डिवाइडेड है, इसमें आवाम दो साइड पर है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट अब इतनी एडवांस हो गई है, उसमें एसिंक का वेट और ये नए वाले सिंटैक्स आ गए हैं सारे, सब कुछ हो गया है, और क्या कहते हैं, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि वो कंपाइल नहीं होती, सिवाय इसके सारे मसले हल हो चुके हैं। तो
पहले तो ये होता था ना, जैसे अभी कांस्टेंट मैं बनाऊँ अगर, तो कांस्टेंट बन नहीं सकता था उसमें, वेरिएबल के स्कोप वगैरह का प्रॉब्लम था, तो वो सारे मसले हल हो गए। लेकिन बस एक ये वाला रह गया कंपाइल वाला। अच्छा, मुझे क्योंकि पर्सनली आदत नहीं है कंपाइलेशन वाले की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप किसी की आदत है तो उसका गुजारा नहीं हो रहा उसके बगैर, तो उसके लिए ठीक है फिर ये। अच्छा, फिर मे भी अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, मॉड्यूल्स हैं उसके डिफरेंट, मतलब 400 लोग एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, फिर 400 लोग एक दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, और वो फिर मर्ज होकर पब्लिश होता है कोड, सही है, बड़ा कोड बेस है। जैसे कि फेसबुक इट्सेल्फ एक बड़ा कोड बेस है, जैसे कि गूगल सर्च इट्सेल्फ, गूगल सर्च का तो पीछे खैर जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही है, वहाँ तो कुछ और चला रहे होंगे ये। बाय द वे फेसबुक के पीछे भी जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही है, उसमें भी पता नहीं पीएचपी वगैरह कुछ है सर्वर पे उनके, लेकिन फ्रंट एंड पे उनके जावास्क्रिप्ट है एक्चुअली। तो बहुत बड़ा कोड बेस जब होता है ना, तो उसमें शायद ये थोड़ा बेनिफिशियंट हो सकता है, मगर ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। मे बी जावास्क्रिप्ट में ये कंपाइलेशन का प्रोसेस वो डिफ़ॉल्ट करते हैं कि जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लें तो एक कंपाइल का बटन दबाएं जो कंपाइल करके आपको बता दे, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट, अच्छा ये टाइप स्क्रिप्ट का डिफाइनिंग फीचर भी नहीं है, ये कंपाइल होना है जो ना, मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आखिरी रह गया मेरे ख्याल में, ये टाइप स्क्रिप्ट का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट का जो डिफाइनिंग फीचर है और उनका जो सेलिंग पॉइंट है वो टाइप सेफ्टी है। टाइप सेफ्टी के एक नाम से वेरिएबल है, उसमें कुछ और नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, टाइप सेफ्टी है, समझ लो। तो जो इनका सेलिंग पॉइंट था ना, वो तो चीज़ अब मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो गई है। नहीं देखो, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या चक्कर है। अच्छा, आप थोड़ा सा कोड लिख लें ना, लेट ए इक्वल्स टू 5 कर दिया मैंने, अब आगे जाके ना मैं ए इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो ये चलेगा, नंबर ही है क्योंकि। लेकिन मैं इसमें बोलता हूँ कि भाई कार, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई ये स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए इसमें मेरे को, इसमें कार चाहिए मुझे, कार तो चाहिए ही नहीं, इसमें चाहिए मुझे कोई नंबर, 20 दे दो आप, सही है। 0.5 भी इज़ अ नंबर एक्चुअली, 0.5 इज़ ऑल्सो अ नंबर, गुड टू गो। ये है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ए के बाद डॉट लिखेंगे तो नंबर के मेथड आएगा, हाँ ए के बाद जब डॉट लिखेंगे तो वो नंबर, क्योंकि वो नंबर है तो नंबर के मेथड देगा मुझे वो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो कंपाइलर है, सॉरी कंपाइलर कह रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट एडिटर है, उसको भी पता चल रहा है, टाइप स्क्रिप्ट उसको भी बता रहा है कि ये नंबर टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी तो यहाँ मैंने सिर्फ लेट ए करके कर दिया ना, तो उसने इसको इम्प्लिसिटली पकड़ लिया कि अच्छा ये नंबर दिया है पहली दफ़ा तो नंबर था ही। मिसाल के तौर पे मैं लेट करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ बी, लेकिन मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं डालता, तो अब इसकी वैल्यू, अब इसकी टाइप क्या है। अब अगर मैं बी करके इसमें एक नंबर डाल दूँ यहाँ पर, और बी करके मैं एक स्ट्रिंग डाल दूँ, तो ये तो किसी में भी एरर नहीं दे रहा। अच्छा, मैं ये चाहता था कि इसमें नंबर डालूं, मैं स्ट्रिंग आने पे एरर देना चाहिए था इसको, मैं ये सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉलन करके ना ऐसे बता दूंगा कि भाई ये नंबर है। ओ सही है, कैपिटल एन से मैंने नंबर बताया, तो अब देखो स्ट्रिंग पे एरर देने लग गया ये, ठीक है। हालांकि मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी, लेकिन मैंने जस्ट नाम इसका बता दिया कि अच्छा ये नंबर है। साथ साथ चाहूँ तो वैल्यू भी दे सकता था, मैंने कहा जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो दे दी मैंने, तो जस्ट ये वाला पार्ट ऐड हुआ है टाइप स्क्रिप्ट में, सही है, नंबर आ गया ये। अच्छा, नंबर के अलावा मैं इसको बोल सकता था कि स्ट्रिंग हो जाओ, ठीक है। मैंने कहा लेट सी, सी की टाइप मैंने कहा कि स्ट्रिंग हो आप, ओहो स्ट्रिंग इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने कार दे दिया इसको, ठीक है। अगली लाइन में आके मैं इसको बस दे सकता हूँ, सही है, लेकिन मैं इसको कोई नंबर नहीं दे सकता, अब एरर दे देगा ये, ठीक है, एरर दे गई, ठीक है। तो कुछ मुश्किल है? अच्छा, अगर मैं बिल्कुल सिंपल जावास्क्रिप्ट की तरह लिखूं इसको, मैंने कहा लेट डी, अब एक चौथा वेरिएबल बना रहा हूँ डी इक्वल्स टू सम स्ट्रिंग, तो ये कुछ कोई मसला नहीं है, सही है। हाँ, लेकिन इसको मैं दोबारा कोई दूसरी वैल्यू दूंगा तो फिर मुझे एरर ज़रूर देगा ये, ठीक है, क्योंकि वो कंपाइल वाला जो फैसिलिटी है वो तो दे रहा ही है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या दिया, ए बी सी, और अब मैं इसको कोई और तरह की वैल्यू नहीं दे सकता, अब मुझे इसको हर हाल में स्ट्रिंग तरह की वैल्यू ही देनी पड़ेगी। हाँ,
हाँ तो टाइप अच्छा आम तौर पे हमारे पास जो अभी मैंने ये एक बात की थी ना कि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो टाइप सेफ्टी है ना इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने ये बात की थी। तो मैंने वो इस वजह से की थी कि आम तौर पे हमारा प्रोग्रामिंग जो होती है जावास्क्रिप्ट में वो कंपोनेंट बेस्ड होती है। अब कंपोनेंट बेस्ड के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट इतने छोटे होते हैं कि उसमें वेरिएबल हमारी आंखों के सामने बनता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है ना, इतना लंबा वो जाता नहीं है कि मतलब सी लैंग्वेज में तो ये होता था ना कि कोड के टॉप पे ही तमाम वेरिएबल डिफाइन करने होते थे और फिर वो 5000 लाइन का कोड आपने लिखा ना तो पता नहीं ऊपर क्या था आपको पता ही नहीं चलता, तो आप नीचे लिखते हैं तो वो बता रहा होता है कि अच्छा ये ऊपर टाइप ये डिफाइन की हुई थी, समझ रहे हो। तो इसलिए सेफ्टी वेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर, इसमें ज़रूरी नहीं है अब के कोड के अंदर। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे इत्तफाक राय भी कर सकते हैं और इससे अख्तराब भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इंटरनेट इस पर डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट की तरह इसमें काम करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये चलेगा इसके अंदर। अच्छा तो क्या टाइप जो है वो एरे और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो अब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टोटल टाइप्स हैं कितनी, ये भी तो एक सवाल है ना। तो मैं इसमें लिखूंगा टाइप स्क्रिप्ट हैंडबुक, ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इन्होंने टाइप्स इसमें कहां पे बताई हैं। यार अपना इसमें बेसिक टाइप की लिस्ट कहाँ पर है यार, मुझे बता सकता है कोई? शहजाद तुमने पढ़ी है ना, ये नहीं पढ़ी तुमने द बेसिक्स? वो एक लिस्ट है इनकी के नंबर और एरे और पता नहीं कौन कौन सा एवरीडे टाइप। हाँ ये आ गया ना, द प्रिमिटिव नंबर स्ट्रिंग बूलियन एरे और एनी, सही है, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट टाइप, यूनियन टाइप, सही है, ये सारी टाइपिंग है। कहाँ पर है ये? एवरीडे टाइप के अंदर ये मौजूद है। तो इसको आप मज़ीद अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो एरे टाइप कैसे होगी ज़रा वो देख लेते हैं। मैंने कहा भाई लेट ई या ए आर आर बल्कि इक्वल्स टू, अब मैंने कह दिया कि भाई 1 2 3, ठीक है, ये मैंने एक एरे बना दिया। तो अब इसकी जो टाइप है ना इसकी वो क्या है? देखो यहाँ पे ये खुद से इसने डिटेक्ट कर लिया कि नंबर का एरे है ये, सही है। तो मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, मैं बोलूँगा नंबर का ये एरे है, सही है, नंबर का ये एरे है। अच्छा भाई कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पहले से पढ़ी हुई है? हाँ भाई ओवरव्यू लिया हुआ है, नहीं वो एक ज़िया साहब की भी क्लास थी ना अभी, उसमें कुछ लोग इनरोल हैं, सर साहब को जानी से भी क्लास ली थी तुम लोगों ने। कौन मुझे बताएगा ये कैपिटल एन से नंबर और स्मॉल एन से नंबर में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं ये तो भाई वो इत्तफाक नहीं, ये तो रूल्स रेगुलेशन है ना, ये थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो ये रूल रेगुलेशन सेम रहेंगे, ठीक है। स्मॉल एन वाले नंबर और कैपिटल एन वाले नंबर में क्या फ़र्क है? यानी टाइप बता रहा हूँ अगर मैं स्मॉल एन से या कैपिटल एन से तो इसमें क्या फ़र्क है गूगल करना जाएगी, सही है। अच्छा तो इस तरह करके मैंने नंबर बता दिया। अच्छा इसके अंदर मैं क्या ये कर सकता हूँ? हाँ भाई आम तौर पे जितनी भी मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसमें एरे जो होता है वो क्या होता है? वो नहीं, एक तरह की जो वैल्यू आती है उसका एक नाम होता है। नहीं नहीं एक तरह की वैल्यू जो रखते हैं ना एरे के अंदर उसका एक नाम होता है, यार वो नाम भूल रहा हूँ। वेल वो एक तरह की टाइप होती है एरे के अंदर, ऐसा नहीं होता कि पहले पे नंबर रख दिया फिर दूसरे पे स्ट्रिंग रख दिया, नहीं, या तो नंबर है तो पूरा नंबर होगा, स्ट्रिंग है तो पूरा स्ट्रिंग होगा, ठीक है एरे में। अच्छा जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग आप लोगों ने की है सबने, आप हमेशा देखें जब भी एरे आता है ना, जैसे यूज़र मंगवाया मैंने, अब 20 यूज़र आए हैं, तो एरे के हर इंडेक्स में एक जैसा होता है ना ऑब्जेक्ट, तो
हर यूज़र का नाम होता है, तो ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है और वो एरे पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले में ऑब्जेक्ट मिल गया दूसरे में स्ट्रिंग मिल गया, ऐसा तो नहीं होता। तो एरे का जो प्रैक्टिकल यूज़ है ना उसमें होता भी यही है। जावास्क्रिप्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी कभी मेरे काम तो नहीं आई कि भाई नंबर भी रखवा दो स्ट्रिंग भी रखवा दो, ये मेरे तो कभी काम नहीं आई। तो ये काम नहीं कर सकता मैं इसमें, इसमें जो है ना मैं 1 2 3 ऐसे करके रखूँगा। अच्छा, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अभी एरे में और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब इसी तरह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा कि भाई नेम होगा इसके अंदर ABC, और क्लास होगा इसके अंदर ABC, और रोल नंबर होगा इसके अंदर ABC। सही है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसकी टाइप वैसे तो ये खुद पकड़ लेगा, लेकिन अगर मैं इसकी टाइप डिफाइन करूँगा, ठीक है, देखो इसकी टाइप इसने खुद से जो डिटेक्ट की है वो ये है कि इस वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो इसमें ये चीज़ें होंगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं चीटिंग कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए एक्चुअली। सही है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये कॉलन है, उसके बाद ये, उसके बाद टाइप है इसकी कि ये टाइप होगी, और उसके बाद इक्वल करके ना ये एक्चुअल डेटा है। सही है, अब नीचे आऊँ अगर मैं, सही है, और मैं obj., तो मुझे क्या मिलेगा, क्लास नेम और रोल नंबर ही मिलेगा। अब इमेजिन करो मैं क्या करूँ, मैं सब्जेक्ट भी डाल दूँ, सब्जेक्ट इक्वल्स टू साइंस, तो ये क्या हो गया, एरर हो गया, क्योंकि मैंने टाइप बताते हुए ना मैंने बोला था कि तीन ही होंगे, ये मैंने किसी चौथे का नाम नहीं लिया था, ये तीनों ही मुझे लाजमी देने पड़ेंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। जैसे मैंने सब्जेक्ट ज़्यादा किया, इसने बोला नो, ना भाई सब्जेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है, ऑप्शनल बताना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सब्जेक्ट भी होगा भाई। सही है, सब्जेक्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये भी होगा। लेकिन अब देखो एक और एरर दे दिया इसने, अब बोला इसने कि भाई सब्जेक्ट जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पे, तो फॉरन जो आपने वैल्यू दी उसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं दिया आपने, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या होगा, ये ऑप्शनल होगा। सही है, ऑप्शनल मैंने कह दिया, तो फॉरन मैंने नहीं दिया तो चल गया, बाद में दे दिया तो ले भी लिया इसने। सही है, ये मैंने इसको ऑप्शनल कर दिया, ठीक है। ऑप्शनल के केस में क्या हो गया, ये या तो स्ट्रिंग हो सकता है या तो अनडिफाइन हो सकता है, दो हो सकता है ये ऑप्शनल के केस में, ठीक है। अच्छा, ऑप्शनल ये भी इस तरह भी है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया मैं ऐसे भी कर सकता था अनडिफाइंड, तो ये ऑप्शनल करने का ये एक और तरीका है। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, अच्छा की मिसिंग है, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई सब्जेक्ट दे दो इसको, हाँ नहीं, इस तरह करने से ये की इसको देनी पड़ेगी। सही है, मतलब एटलीस्ट मुझे यहाँ पे इसको सब्जेक्ट लिख के अनडिफाइंड देना पड़ेगा, जब जाके चुप होगा, क्वेश्चन मार्क से ये मसला भी हल है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया आपको, एरे बता दिया, टाइपस्क्रिप्ट में एरे कैसे होता है, टाइपस्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे होता है। अच्छा, स्टिल मैं ये चीज़ आगे ना लिखूँ ना टाइपिंग, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फंक्शन बता देता हूँ अब लास्ट। सही है, अब इसका और तो कुछ नहीं है ना इससे ज़्यादा, ये 5 चीज़ें जो बेसिक थी वो पता चल जाएंगी, तो टाइपस्क्रिप्ट आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, फंक्शन हम आमतौर पर बताते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, डू ABC एक फंक्शन का नाम है, इक्वल्स टू अ फंक्शन, ठीक है, डू सम कर देते हैं, बल्कि उसको डू सम क्या करता है, num1, num2 लेता है। सही है, और रिटर्न करता है num1 + num2, यानी दोनों को सम करके वापस रिटर्न कर देता है, ठीक है, ये काम करता है। तो अब इस केस में ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन इसमें मुझे क्या डिफाइन करनी है, टाइपिंग डिफाइन करनी है। तो एक फंक्शन के अंदर जब मैं टाइपिंग डिफाइन करूंगा, तो मैं दो चीज़ें बताऊंगा कि ये फंक्शन जब चलाओगे आप, तो इसको इनपुट कैसा वाला देना है आपने, और ये फंक्शन आपको रिटर्न में जो वैल्यू देगा उसकी टाइप क्या होगी। ये नहीं होगा कभी स्ट्रिंग आ गया कभी नंबर, फिक्स बताना होगा शुरू में ही कि भाई नंबर ही देगा हमेशा ये, ठीक है। तो अभी टाइपिंग में कैसे बताऊंगा, पहले तो मैं पैरामीटर में आऊँगा, num1 है, num1 में कॉलन लगाया मैंने, और मैंने कहा भाई ये क्या होगा, नंबर। सही है, और ये भी होगा नंबर होगा। सही है, स्टिल कैपिटल एन से भी बता सकते हो नंबर, ये स्मॉल एन से भी बता सकते हो,
बस इन दोनों में फ़र्क है वो तुम गूगल करना आप घर जाके। सही है। अच्छा देखो समझ आ रहा है, ये मुश्किल तो नहीं था कुछ? ऐसा तो बहुत वाहियात लगता है ना यार, ये कॉलन कॉलन करके क्या लिखा हुआ है। तो ये दोनों मैंने इनपुट की टाइप बता दी, अब मैं आउटपुट की जो टाइप बताऊंगा वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन एक। सही है। और मैं बोलूँगा भाई आउटपुट भी इसका जो है ना वो एक नंबर है। वॉइड, वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ऐसे ना वॉइड। ये तुम सी में लगाते थे वॉइड, इसमें तो इसमें अनडिफाइन लगाते हैं मेरा ख्याल, इसमें भी वॉइड लगा देते हैं। चलो हो सकता है नया ऐड किया हो, मैंने जब लास्ट पढ़ी थी तो वॉइड उसमें मौजूद नहीं था। अच्छा ये किस खुशी में एरर दे रहा है भाई? ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन टाइप नंबर। अच्छा अच्छा वो स्मॉल एन वाला चक्कर है। ओहो सही है, सेट हो गया। चलो बता देता हूँ, कैपिटल वाला जो होता है ना वो क्लास टाइप होती है, और ये स्मॉल एन वाला ना वैल्यू टाइप होती है। सही है। तो वो असल में क्लास टाइप पे वो प्लस नहीं लगा सकता, इंस्टेंस टाइप पे प्लस लगेगा वो, वैल्यू टाइप जो है। ठीक है, अब वो एक लंबी कहानी है, अभी मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। वो टाइप स्क्रिप्ट की एक दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया है वो, समझ लो। तो हमारे यानी फंक्शनल दुनिया के अंदर ना एक ही होता है नंबर, ना स्मॉल कैपिटल नहीं होता, एक ही होता है स्मॉल वाला। अच्छा तो ये मैंने फंक्शन बता दिया कि फंक्शन में आपको जो दो पैरामीटर्स हैं या तीन पैरामीटर हैं, या अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो वो ज़ाहिर खाली होगा, तो फिर आपको टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट क्या होगा वो भी आप टाइप बताओगे। अब मिसाल के तौर पे कुछ फंक्शंस में जो रिटर्न वैल्यू होती है वो नंबर नहीं होता, वो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर फिर आप ऐसे ऑब्जेक्ट करके बताओगे। सही है। और ऑब्जेक्ट में उसमें क्या की होगी, क्या वैल्यू होगी, वो सारा बताओगे आप। अगर तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो प्रॉमिस बताओगे आप, और उस प्रॉमिस में क्या मिलता है कि प्रॉमिस ऑफ क्या है, नंबर है या प्रॉमिस ऑफ स्ट्रिंग है। सही है। या प्रॉमिस ऑफ ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे जब हम MongoDB में हम क्वेरी मारते हैं, फाइंड की क्वेरी मारते हैं, सही है, सिर्फ फाइंड की क्वेरी जब हम करते हैं तो वो मुझे प्रॉमिस देता है ना मुझे, वो जब ही तो अवेट लगा के हम उसको रिसीव करते हैं, वो प्रॉमिस किसका होता है, प्रॉमिस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या प्रॉमिस ऑफ एरे होता है? फाइंड की क्वेरी में प्रॉमिस ऑफ एरे होता है। सही है, क्योंकि जो अवेट लगा के जो मुझे डेटा मिलता है फ़ौरन तो मुझे प्रॉमिस मिलता है, लेकिन उस प्रॉमिस जब कंप्लीट होता है, जब डेटा आ जाता है तो मुझे एक एरे मिलता है, तो उसमें मैं बोलूँगा कि प्रॉमिस ऑफ एरे। अच्छा एरे भी किस चीज़ का, क्योंकि एरे तो एरे में ऐसे तो नहीं बता सकता ना, एरे एफ में बोलूँगा कि भाई ऑब्जेक्ट का एरे मिलता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इस एरे के अंदर क्या होगा, वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। तो वो टाइपिंग काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, इस वजह से मेरी टाइपिंग को देख के आग लग जाती है। ठीक है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल नंबर स्ट्रिंग की हद तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे जब बताना पड़ेगा ना आपको। अच्छा ये बाय द वे हम नहीं कर रहे, वो MongoDB की लाइब्रेरी वालों ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, मोंगोस की टाइपिंग लिखी हुई है, @types शायद खुद नहीं लिखी उन्होंने, किसी थर्ड पार्टी ने लिखी है, कोई था पता नहीं फारिक जिसने पूरी वो लिख दी है टाइपिंग। तो यहाँ पे मुझे ना पूरा बताना पड़ेगा, तो ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ये MongoDB की लाइब्रेरी जिसने लिखी है उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन उसने बनाया है। लेकिन अल्टीमेटली कभी मैं भी ऐसा फंक्शन बनाऊँगा अपने कोड में, कभी तो मैं भी बनाऊँगा ना, तो मुझे फिर ये लिखना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं ये नहीं लिखूँगा, ठीक है, तो इसका एक हल क्या है, सिंपल सा, एनी कर दो। एनी कर देते हैं बहुत सारे लोग कि कुछ भी रिटर्न कर सकता है ये। ठीक है, या प्रॉमिस ऑफ एनी कर दो। ठीक है, कि प्रॉमिस ऑफ एनी, कि प्रॉमिस होगा लेकिन उस प्रॉमिस के बदले आपको अंदर जो वैल्यू एक्चुअल मिलेगी वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एरे भी, कुछ भी हो सकती है। तो यू कैन डू दिस, बट स्टिल इफ़ यू आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ एनी। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं और आपने जगह जगह एनी लगाया हुआ है ना, तो जो भी आपका कोड देखेगा वो समझ जाएगा कि इसको कुछ भी नहीं आता। सही है, तो बेहतर ये है कि अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर ढंग से यूज़ कर लें, अदरवाइज उसको छोड़ दें फिर। सही है, तो वेल हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिएक्ट नेटिव में टाइप स्क्रिप्ट को फर्स्ट क्लास सिटीज़न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बाई फर्स्ट क्लास सिटीज़न, बताया था एक दफ़ा मैंने, प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज़ होती है जो मैंने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे बताई थी तुम लोगों को। नहीं
फंक्शन जब पढ़ा रहा था मैं जावास्क्रिप्ट में, जब बताया था मैंने, अरे नहीं भाई टाइप स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई, अभी मुझे ये बताओ फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है। प्रोग्रामिंग में एक टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट क्लास सिटीजन, उसका क्या मतलब होता है। फंक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीजन है, सबसे पहले प्रायोरिटी देता, सबसे पहले नहीं प्रायोरिटी नहीं देता, ठीक है। फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीजन होने का मतलब ये है कि उसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, फंक्शन को, फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ वैल्यू पास किया जा सकता है एज अ आर्ग्यूमेंट, और किसी फंक्शन से एज अ रिटर्न वैल्यू रिटर्न करवाया जा सकता है फंक्शन को। तो ये तीन क्वालिटी जब फंक्शन में आ जाती है तो उसको हम फर्स्ट क्लास कहते हैं, ठीक है। यानी जो वेरिएबल में जो जो हो रहा होता है वही वही एक फंक्शन में भी हो रहा हो तो हम उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं, वेरिएबल फर्स्ट क्लास, ठीक है। फंक्शन सी लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास नहीं हुआ करता था, वो जावास्क्रिप्ट में इन्होंने किया है, अब तो खैर शायद उसमें भी कर दिया होगा, आई एम नॉट श्योर, बहुत दिन हो गए उसमें काम किए हुए। वेल, तो फर्स्ट क्लास सिटीजन होने का मतलब ये है कि उसको ना पूरी अथॉरिटी दी जाए, एक जैसे किसी शहर में एक शहरी होता है तो उसको सारे हकूक होते हैं ना, उसको शहर में जो मौजूद पानी है वो इस्तेमाल करेगा हक है उसको, ठीक है। जो शॉप्स बनी हुई है वहाँ जाके वो कोई सामान खरीदे वो हक है उसका ये, ठीक है। रोड को इस्तेमाल करे, रोड को गाड़ी चला के या पैदल चल के रोड को इस्तेमाल करे उसका हक है, पेडस्टन ब्रिजेस बनी हुई हैं, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनी हुई है उसको इस्तेमाल करे तो ये उसका हक है, ठीक है। तो उसको कोई रोक नहीं सकता इससे। तो टाइप स्क्रिप्ट को फर्स्ट क्लास सिटीजन का दर्जा देने का मतलब ये है कि अब आप जब ऐप बनाएंगे बॉयलर प्लेट तो वो टाइप स्क्रिप्ट का पहले से सेटअप हुआ है उसमें, और वो कॉन्फिग वॉन्फिग जो आपको हाथ से करनी पड़ती थी ना वो उन्होंने पहले से बना के रखी हुई है। आप जस्ट आओ टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाओ और कोड लिखो और डायरेक्ट रन करो, चलेगी वो। ऑन अदर एंड इससे पहले क्या होता था, यानी अभी तो रिएक्ट नेटिव ने ये किया है लेकिन स्टिल अगर मैं सर्वर लिखता हूँ टाइप स्क्रिप्ट में, जो एक्सप्रेस का सर्वर है वो मैं टाइप स्क्रिप्ट में भी लिख सकता हूँ, MJS में लिखा था जो मैंने, उसको अगर मैं चलाऊँगा तो मेरे पास चलाने के दो तरीके हैं। एक तो है TS नॉट करके, एक छोटी सी यूटिलिटी है मोंगोस की तरह, तो वो क्या करती है कि मैं उसको लिखता हूँ बजाय नॉट लिखने के मैं लिखता हूँ TS नॉट और स्पेस करके लिखता हूँ फाइल का नाम, और वो डायरेक्ट उसको रन कर देता है। लेकिन डायरेक्ट नहीं रन करता, वो पीछे बैकग्राउंड में उसको कंपाइल करता है फिर रन करता है, असल में ये चक्कर है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका एक TSC का टूल आता है अपना, टाइप स्क्रिप्ट का अपना कंपाइलर या ट्रांसपाइलर जो भी कह लो उसको, उससे पहले मैं उसको कंपाइल करता हूँ, JS की फाइल बनती है, उस JS की फाइल को चलाता हूँ, तो ये थोड़ी लंबी होती है। इस चीज़ से आप बच गए हो तो इसको कह रहे हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास उसमें आपको मिल गई है ये क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास दर्जा दिया गया। ये क्या हुआ इसको, अच्छा इसको मैंने प्रॉमिस बोल दिया ना यहाँ पर, तो इसको बोलूँगा नंबर, सही है। और इसको तमाम को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आखिरी टाइप स्क्रिप्ट की, शायद ये जो टाइपिंग है ना, चलो इतने को मैं अनकमेंट करता हूँ, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो इतनी टाइपिंग है ना, अब देखो ये कचरा लग रहा है ना, क्या इधर टाइपिंग भी है इधर वैल्यू भी है ना, कचरा लग रहा है थोड़ा। तो मैं क्या करूँगा इस कचरे को यहाँ से करूँगा कट, और इसको मैं अलग से डिफाइन कर सकता हूँ। जब मैं इसको अलग से डिफाइन करूँगा तो इसका मैं नाम क्या रखूँगा, इंटरफेस नाम रखूँगा इसका मैं, ठीक है। मैं इंटरफेस नाम रखूँगा इसका कि क्या है ये स्टूडेंट, सही है, इंटरफेस नाम रखूंगा स्टूडेंट, और इसका नाम यहाँ पे लाके लगा दूंगा कि ये है स्टूडेंट। दिस इज मच क्लीनर, दिस इंटरफेस इज रीयूजेबल। कहीं और पे भी इस तरह का कुछ करना होगा तो मैं इंटरफेस ये यूज़ करूँगा, सही है, ये क्लीनर तरीका है। अच्छा वो जो कर रहे थे ना कि प्रॉमिस के किसका प्रॉमिस अंदर क्या, उसका भी असल में इंटरफेस बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आके अगर प्रॉमिस मुझे बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा प्रॉमिस मिलेगा आपको, और किसका प्रॉमिस मिलेगा, ऑब्जेक्ट का प्रॉमिस मिलेगा, ठीक है, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट का एरे होगा ना ये, सही है। तो मैं अब इसको ऐसे ऑब्जेक्ट का एरे नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई स्टूडेंट का एरे मिलेगा,
तो वो उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं ये एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता कोड, मैं अभी थोड़ा मैंने यूज़ नहीं की काफ़ी दिन से, तो ये काइंड ऑफ मैं सूडो कोड लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉमिस मिलेगा, स्टूडेंट का एरे होगा उस प्रॉमिस की वैल्यू में, तो ये काइंड ऑफ मैं सूडो कोड आपको लिख के बता रहा हूँ ना, वो एक्चुअली वो हैंडबुक में से देख लीजिएगा कि कैसे होता है वो। ठीक है भाई, तो फाइनली हमने टाइप स्क्रिप्ट का जो थोड़ा सा ओवरव्यू था वो ले लिया।